मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ओवीटी ग्रुप और जर्मनी की कंपनी के संयुक्त उपक्रम का भूमि पूजन किया। इसमें लगभग 125 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह कंपनी डायपर बनाने की सामग्री तैयार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जर्मनी की कंपनी राजधानी भोपाल में लगभग 125 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो पहले भारत में कहीं नहीं बनता था। बच्चों के डायपर के लिए आवश्यक सामग्री जो आमतौर पर चीन से आयात की जाती थी, अब वो भारत में बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि TWEOBT उद्योग समूह द्वारा स्थापित की जा रही है वुमेन फैब्रिक यूनिट राज्य में औद्योगिकीकरण के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस यूनिट के संचालन में 250 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और उसमें टेक्नोलॉजी के कौशल का विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूंगा जब सागर और दीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली है, तो जिस प्रकार से पूरे देश के उद्योगपतियों ने अभी अभी अचारपुरा से मैं लौटा हूँ, अचारपुरा में हमारी ओबेट ग्रुप रुद्र चटर्जी और जर्मनी की कंपनी ने मिलकर के एक इंडस्ट्री की शुरुआत की है जो लगभग 125 करोड़ का निवेश कर रही है। और ये भी और जानकारी के लिए आनंद की बात है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट अभी तक पूरे देश में कहीं नहीं बनता था, बच्चों को डायपर के लिए अंदर लगने वाली सामग्री, और ये आमतौर पर चाइना से ही निर्यात होती थी। ऐसे में हमारे देश के अंदर बन रही है और जैसा उनने जार ने मेरे से कहा है कि मैं पहली बार ही भारत आया हूँ और पहली बार आकर के मैंने मध्य प्रदेश में निवेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनने कहा कि हम इसको अभी जो निवेश कर रहे हैं इसको 4 गुना आगे तक ले जाएंगे, अर्थात 1000 करोड़ तक का वो इस कारखाने को बढ़ाएंगे। और केवल वो नहीं, लगातार कई देशों के निवेशक अपने देश के अंदर के उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश करने आ रहे हैं। यही इसी से GDP में बढ़ावा होगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबका भी सहयोग मिलता रहे, ये अपील के साथ धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।